साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी के साथ आते हैं। अब मेरे पास कुछ कमेंट थे कि सर कौन सी आईटीआई में किस कैटेगरी की सीट है, वो हम कहाँ से चेक करेंगे। और आज हम आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि मान लो जिस आईटीआई में जिस कैटेगरी की सीट थी उन व्यक्ति का यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है आज की डेट में 12 तारीख में, ठीक है। तो वो किस तरह होने हुई है यहाँ पर देख लो आप उसका जो नंबर है, मान लो उनका जो नंबर दिख रहा है यहाँ पर 73 नंबर पे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। 73 पे यहाँ पर दिख रहा है और वहाँ पर, और बाकी लोगों को क्यों कॉल नहीं किया गया है वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि मैं सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ पर गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी कि किस, मान लो ये आईटीआई है आप लोग रीवा में, अनूपपुर आईटीआई, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका गवर्नमेंट आईटीआई, ठीक है ना। ये आपकी आईटीआई है ना, JTE डिस्ट्रिक्ट IT आपकी, ठीक है। और यहाँ पर जो सीट थी वो थी कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको सर्च करके देखा यहाँ पर, और आपको सर्च कहाँ कर देखना, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर देख रहा हो व्यू पोजीशन, इस पर क्लिक करना। आप जैसे भी क्लिक करोगे आप सामने ये खुल जाएगा। फिर मान लो मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पर गवर्नमेंट IT, ठीक है ना, JTE डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर में। इसके पश्चात यहाँ पर जो पद है बड़ा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रहेगा आपका, और ये एक पद है यहाँ पर फीमेल का, ठीक है ना, एक पद है फीमेल का OBC का। आप यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो कहाँ सा देखना, तो आप जाओगे व्यू वैकेंसी पे क्लिक करना आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मैंने ये खोल लिया है, पर यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई वो मैं आपको बताया था इसमें। अब मैं देखिए यहाँ खोल लिया, यहाँ पर देखिए अब इसी मैंने खोल लिया भोपाल में ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा ना, यहाँ पर मुझे दिख जाएगा नेक्स्ट में ये आ जाए, ठीक है। देखो ये देखिए गवर्नमेंट आईटीआई, ठीक है ना, जैतरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, ये दिख गई। अब यहाँ पर इनका देखो फीमेल सीट थी, फीमेल ही आ गई, OBC थी, 63 स्कोर था। अब इनका नंबर 73। अब आप बोलोगे सर भाई कुछ अभी तक मुझे बोल रहे थे कि सर हमारा कैसे होगा 73 पर कहीं चला। देखो इनका चला गया 73 पर, इनका कहने का मान लो इनका OBC में देता कितने लोग यहाँ पर फीमेल है OBC में, तो ये फीमेल है इन्होंने मना कर दिया होगा OBC में, और इसका जो OBC में ये फीमेल है इन्होंने मना कर दिया होगा, इसके बाद ये फीमेल है इन्होंने मना कर दिया होगा, ये फीमेल है OBC इन्होंने मना कर दिया होगा। तो जितने भी महिला OBC फीमेल आप लोग यहाँ पर देख लें आप लोगों के पास कॉल आए कि नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जानकारी मिल जाएगी। बाकी इन लोगों ने मना कर दिया होगा तभी वो कॉल लगाते हुए इनके यहाँ गए हैं, ठीक है ना, और इनके इन्होंने कॉल लगाया, इनको यहाँ पर ज्वाइन करा लिया। कभी 12 यहाँ पर थे, 12-6 में इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये इस तरह की ज्वाइनिंग यहाँ पर हो रही है, तो आप लोग चेक कर लेंगे भाई आपके पास कॉल आगे नहीं आया, आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहीं से चेक करना है। मान लो किसी भी आईटी में जिस कैटेगरी की सीट है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अब हम दूसरे देखते हैं और कौन कौन सी आईटी में यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है, एक बार हम कौन कौन ट्रेड हुई है, हम इलेक्ट्रीशियन चेक कर लेते हैं आज के उसमें कि कहाँ कहाँ आज की डेट में ज्वाइनिंग हुई है आप लोगों की। 12 में 9 में, ठीक है, 23 में यहाँ पे नहीं हुई, 12-24 ये हुई है, ठीक है। आज की देखो ये हुई है 12 तारीख में आज की ज्वाइनिंग यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट आईटी वकने, ठीक है ना, यहाँ पर धार के अंतर्गत हुई है ये उसमें आता है। और यहाँ पर देखिए जो 12 में करवाया इन्होंने, इनकी सीट होगी आपकी अस्थिवर्धन यहाँ पर सीट होगी, और सुरेश चंद्रा, ठीक है ना, यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग हुई है आज की डेट में। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये जो आईटीआई इनकी ये है आपकी कौन सी आईटीआई है, धार के अंतर्गत ये आईटीआई, ठीक है ना, बकनेर आईटीआई, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी पद था यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का, तो मैं व्यू वैकेंसी आया यहाँ पर मैंने देखा धार किसके अंदर आता है वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार में। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो इलेक्ट्रीशियन की जो सीट थी यहाँ पर मैंने देख लिया बकनेर डिस्ट्रिक्ट धार आईटीआई, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की थी, ओपन की थी, पुरुष की सीट थी और OBC की एक सीट थी, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग हुई है, जैसे ही मैं ज्वाइनिंग बजाता हूँ यहाँ पर देखता हूँ, अब देखिए इनकी ज्वाइनिंग हुई है OBC की, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं धार में आईटीआई में। देखो ये हुई है 12 तारीख में, ठीक, उसी आईटीआई में धार, ये लिखा ना बकनेर धार आईटीआई, तो यहाँ पर OBC की इनके लिए 143 नंबर वाले को कॉल गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को कॉल नहीं जा रहा, तो 143 वालों कॉल गया है और इन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली है, ठीक है, ये इसके नंबर पर, ठीक है, आज की डेट में। तो भाई जो ऊपर के जो आप ही देखोगे उन्होंने मना कर दिया होगा OBC वालों ने, ठीक है, तो डायरेक्ट इनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका फर्स्ट पर नाम है आपके लिए कॉल नहीं जाए, बाकी देखो इतने नंबर से उन्होंने इस आवेदक को यहाँ पर उठाया हुआ है, या तो इन लोगों ने मना कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग कर दी। तो आपको ये देखना है पूरा कहाँ से कहाँ ज्वाइनिंग हुई, आपको पहले देखना है, इस पर जाकर व्यू वैकेंसी क्लिक कर सकते हैं आप लोग, और आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आप किस किस आईटीआई की यहाँ पर देख सकते हैं आपको, ठीक है, किस किस आईटीआई में कितनी यहाँ पर सीट रहने वाली हैं। और दूसरा यहाँ से ज्वाइनिंग आप तो देखने जा गए सभी पे जाकर कौन की ज्वाइनिंग किस किस आईटीआई में हुई, यहाँ से कोई भी आईटीआई डालें आप लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे
तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आप लोग पूरा यहाँ पे देख जाएगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ आप कमेंट पूछना तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।